न्यू वीडियो इन क्रिप्टोवर्स सो इन टूडेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल फाई सो वॉट इज सोशल फाई एंड इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट सच अमेजिंग प्रोजेक्ट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रिप्टोवर्स एंड टू नो मोर अबाउट सोशल फाई प्लीज स्टे टिल द एंड तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सोशल फाई क्या है फिर सोशल फाई की जरूरत क्यों पड़ी सोशल फाई के कुछ इंपॉर्टेंट या कोर कंपोनेंट्स क्या है और लास्ट में हम बात करेंगे सोशल फाई के एडवांटेजेस और साथ ही में मैं आपको एंड में कुछ लिंक्स दूंगा जिससे आप सोशल फाई प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं जो है कि इंट्रोडक्शन तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो एरा चल रहा है वेब थ्री का चल रहा है और वेब थ्री के एरा में सोशल फाइव जो है ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहला गिल्ड बेस्ड सोशल डी प्रोटोकॉल है अब गिल्ड बेस्ड सोशल डी प्रोटोकॉल मतलब क्या हुआ गिल्ड बेसिकली एक टाइप की कम्युनिटी हम बोल सकते हैं जैसे यूट्यूब पे क्रिप्टोवर्स चैनल है एक क्रिप्ट कॉइन ब्यूरो चैनल है ऐसे बहुत सारे चैनल अलग सा अलग है तो ये सब एक टाइप के गिल्ड हो गए और ये सोशल जो है ये ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स रियल ट्रस्टेड और वेरीफाइबल ट्रेडिंग को शेयर कर तो ज्वाइन जो, जो करेंगे और उसी के हिसाब से मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हूँ कि नहीं वो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे उससे पता चलेगा तो इसमें क्या होता है कि सोशल में गिल्ड लोग ज्वाइन करते हैं उससे रेपुटेशन मिलता है चेन पे

जिनको ट्रेडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है और वो क्या करेंगे कि अपने गिल्ड्स बना के वहां पे ट्रेडिंग लोगों को सिखाएंगे और उसी के बेस पे उनकी एक कुछ सब्सक्रिप्शन फीस होगी उनकी गिल्ड को ज्वाइन करने की अब यूजर्स की इसमें क्या कर सकते यूजर्स बेसिकली गिल्ड्स को ज्वाइन करेंगे फिर वो जो चेन पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसको समझेंगे इन्फ्लुएंसर से और उसको अप्लाई करेंगे अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो बहुत अच्छा काम करेगी तो उसको यूजर शो ऑफ भी कर सकते हैं और जितना जो इन्फ्लुएंसर अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देगा उतना उसकी पॉपुलरिटी ज्यादा बढ़ेगी तो बेसिकली ये ओवरऑल सोशल फाई का मोटिव है अब हम बात करें तो सोशल फाई जो है वो उसका मोटो है कि डोंट ट्रस्ट वेरीफाई ऑन वेरीफाईन डेवलप की हम YouTube पे फॉर एग्जाम्पल किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो क्यों उसको ट्रस्ट करके करते कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर अच्छा है बट अगर हम सोशल फाई की बात करें वहाँ पे जो गिल्ड्स होंगे उनके कुछ हमें स्टेट्स मिलेंगे देखने और उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन रियल इन्फ्लुएंसर है और कौन फेक इन्फ्लुएंसर है तो ये था सोशल फाई का ओवरव्यू अभी हम आगे देखते हैं कि सोशल फाई की जरूरत क्यों पड़ी तो दे आर बेसिकली तीन रीजन है कि हमें सोशल फाइ की जरूरत पड़ी तो आइए रीजन को देखते हैं तो पहला जो रीजन है वो रीजन है कि एक्चुअली क्या हो रहा था कि कुछ भी कोई भी नया प्रोटोकॉल आता था उसके प्रोटोकॉल के फीचर्स और और भी चीजों पे ध्यान दिया जाता था बट जो भी कोई एक प्रोटोकॉल या कोई भी एक प्रोजेक्ट जो चलता है वो लोगों से चलता है पीपल से तो पीपल जो होते हैं उस पर मेजर रोल प्ले करते हैं बट उनपे कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो ये एक प्रॉब्लम थी जो सोशल फाइनेंस सॉल्व की तो सोशल फाइनेंस जो सोशल नेटवर्क्स की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बट वो जो है मेजर इंपैक्ट करता है तो उससे सोशल फाइनेंस फाइंड आउट किया अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रेडिंग जो होता है ट्रेडिंग एंड सोशल नेटवर्क उसको हम कभी अपार्ट नहीं कर सकते आप कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे उसका या तो टेलीग्राम चैनल होगा डिस्कॉर्ड चैनल होगा तो वहां पे लोग ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है क्या राइट right वे है और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली सोशल फाई क्या कर रही है कि सोशल नेटवर्क को ब्लॉक पे ला रही है हाँ अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक अवेलेबल थे वो क्या बोलते थे कि तुम वेब चेन से हट हट के वेब टू पे आओ मतलब ब्लॉकचेन से के तुम डिस्कॉर्ट टेलीग्राम पे आके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो बट अब सोशल फाई ने क्या रिवोल्यूशन लाई है कि सोशल फाई के थ्रू आपको कोई वेब थ्री से वेब टू पे आने की जरूरत नहीं है आप ब्लॉकचेन पे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो वहां से सीख सकते हो वहां से सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हो इन्फ्लुएंसर को सो दट इज वाई देयर मिशन इज टू बिल्ड अल फाइन नेटवर्क ऑन वेब्री तो आपको अब आप क्लियर हो गया होगा कि सोशल फाइन नेटवर्क का बेसिकली क्या विजन था क्या मिशन था वेबट्री पे आने का और इसके थ्रू सोशल नेटवर्क को ज्यादा एम्फोसाइज मिलेगा की मतलब फॉर द पीपल हो जाएगा की लोगो पे जो लोगो से कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी प्रोटोकॉल चलता है तो उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी इसमें तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है कि कोर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फाइन नेटवर्क तो बेसिकली तीन कोर कंपोनेंट्स है सोशल फाइन नेटवर्क के फर्स्ट है डी हब सो डी हब क्या है कि हम बोल सकते हैं ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है जहां पे आपको फार्मिंग करने मिल जाएगा डेक्स देखने मिल जाएगा लैंडिंग एन और गेम फाई ये सबको एग्रीगेट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसको हम बोलते हैं डी हब और इससे क्या कर सकते थ्रू ट्रेडिंग सोशल नेटवर्क एंड सोशल माइनिंग और इसमें ना सोशल माइनिंग यूज होता है और लोग सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी फीस बहुत कम होगी तो यूजर्स को ट्रेड बहुत कम फीस में करने मिल जाएगा सेकेंड बात करते हैं ट्रेडिंग गिल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रेडिंग गिल्स इज लाइक ऑफ कम्युनिटी तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो गिल्ड्स बना सकते हैं और यूजर उनको ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन फी पे करके उनसे स्ट्रेटजी सीख सकते हैं नेक्स्ट है सोशल माइनिंग अब सोशल माइनिंग ये एक टाइप की माइनिंग है जिसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो गिल्स बनाते हैं फिर सब्सक्रिप्शन फी उनको यूजर पे करते हैं तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक माइनिंग फी पे की जाती है माइनर्स को तो वो है सोशल माइनिंग और इसी के साथ ये माइनिंग प्रोसीजर यूज होता है सोशल फाई नेटवर्क पे तो इसी के साथ जो माइनर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है सोशल ट्रेडिंग नेटवर्क पे सोशल फाइव टोकन के रूप में उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो सोशल फाई टोकन के फॉर्म में मिलता है तो ये थे तीन कंपोनेंट्स बेसिक जो सोशल फाई नेटवर्क के थे अब आइए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोशल फाई नेटवर्क तो पहला के एडवांटेजेज जैसे आपने देखा कि ये सोशल फाई एग्रीगेटर है वेबसरी पे यहाँ पे आपको डी के सब कुछ मिल जाएगा जैसे लैंडिंग हो गया एन हो गया कोलेट्रल हो गया सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा फिर सेकंड है इनोवेटिव इनिशियल सोशियल माइनिंग जैसा कि अगर आप इनिशियल फेज पे सोशियल फाइव इसमें तो आप टोकन तो कर सकते हैं एन एफ टी को अन कर सकते हैं थ्रू द सोशल नेटवर्क फिर नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग गिल्स एंड एसेट डाउ तो आप ट्रेडिंग गिल्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो इन्फ्लुसर्स ने बनाई है मतलब बेसिकली स्मार्ट पीपल ने बनाई है और आप डाउ के एसेट्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अब लास्ट जो पॉइंट है वो माय वन ऑफ माय फेवरेट है क्रिएटेड बाय द कम्युनिटी एंड फॉर द कम्युनिटी ये कम्युनिटी ने बनाया है और एक दूसरी कम्युनिटी के लिए बनाया है कि समझो ये सोशल फाई कम्युनिटी ने बनाया है और ये हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए बनाया है तो इसमें आप सोशल फाई नेटवर्क को ऑन कर सकते हो अपनी कम्युनिटी को पूरी तरह से ओन कर सकते हो तो इट्स मोस्ट एडवांटेज अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आप नेटवर्क uh, के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे हमने अवेलेबल कर दिए वेबसाइट के लिंक है टेलीग्राम के लिंक है ट्विटर के लिंक है और साथ साथ ही मीडियम के लिंक है अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो सोशल फाई के बारे में तो आज के वीडियो के लिए गायस इतना ही आई होप कि आपको आज के वीडियो में नए सोशल फाई प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ ऐड हुआ है कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और कोई भी क्वेरीज के लिए आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे मेल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो आज के लिए गाइस जितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग